पिंपरी चिंचोर शहर के लोगों को पहले से ही एक दिन के बाद पानी मिल रहा है और ऐसे में अब मानसून की देरी के कारण दोबारा शहर वासियों को गहरे जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे संकेत दिए हैं पिंपरी चिंचोर महापालिका आयुक्त राजेश पाटिल ने। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेश पाटिल ने कहा कि पिंपरी चिंचोर ही नहीं बल्कि राज्य के कई शहरों में मानसून देरी से दाखिल हो रहा है। पिंपरी चिंचोर शहर को पानी देने वाला पवना डैम क्षेत्र में अभी तक एक भी मूसलाधार बारिश नहीं हुई है। बारिश का ऐसा ही हाल रहा तो अगले 15 दिन बाद पानी कटौती का निर्णय लेना पड़ सकता है। पहले से ही पिंपरी चिंचोर शहर की जनता को कई महीनों से एक दिन के बाद पानी मिलता है। ऐसे में अगर और पानी कटौती का निर्णय लेना पड़ता है तो लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। राजेश पाटिल ने कहा कि पिंपरी चिंचोर शहर की जनता के लिए भामा और आंध्रा डैम से 250 एमएलडी पानी बंद पाइपलाइन द्वारा लाए जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। आगे कुछ दिनों में डैम से जलपूर्ति होने पर लोगों को राहत मिल सकती है। भामा और आंध्रा डैम से जलपूर्ति होने पर पिंपरी चिंचोर शहर को अगले 10 सालों तक जल संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयुक्त राजेश पाटिल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि शहर वासियों को रोजाना जल आपूर्ति हो। पालिका प्रशासन अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटी है कि लोगों पर जल संकट न आए। नेचुरली पाउस कमी पड़ला निश्चितपणे आपल्याला काय पूर्ण महाराष्ट्राला त्याची झळ आणि त्यामुळे जे काही पाण्याची टंचाई ती बघावी लागेल। तर मला वाटतं लेटस्ट बी पॉझिटिव्ह तसं काही होईल असं नाही ना याच्या याच्या प्रमाणे आता आपण पाणी देण्याचा विचार करतो मातीचा विचार नाही करत जास्त। ब्युरो रिपोर्ट, व्ही आर न्यूज, पिंपरी चिंचवड, पुणे।